एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको देजाऊ मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देजाऊ ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मूर्ति, स्टारिंग दिए हैं अरुलनीति माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दी है पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुलनीति एज एस पी विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज डी जी पी आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नॉवेलिस्ट सुब्रमण्य, वॉइस डबल बाई एम एस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कॉलेज, क्रिजिया एज रमैया पूजा कॉलेज, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकर नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती
है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा खरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है, सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखना योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने की अरुल नीति का प्रयास पर नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुंडी ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेजावू मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजावू ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति, माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दी है पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज एसपी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधो एज डीजीपी, आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नोवेलिस सुब्रमण्य, वॉइस रबर बाय एमएस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सप्पी, सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कोली, क्रिजिया एज रमैया पूजा कोली, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं।
सुब्रमण्य एक उपन्यासकार नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना DGP आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो PM की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है, सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है ACP। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने के और रणनीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पोंडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट हिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेजावू मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजावू ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, PG
थी स्टारिंग दी है अरुल नीथी माधु अच्युत कुमार स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दी है पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज एस पी विक्रम कुमार एलिस अरुण माधो एज डी जी पी आशा प्रमोद अच्युत कुमार एज नोवेलिस सुब्रमण्य वॉइस डबल बाय एम एस भास्कर स्मृति वेंकट एज पूजा आशा डॉक्टर मारी विंसेंट एज जनाई राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई मामी कोपी एज एस पी चेतन एंड चेतन आशा पी सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला यालिनी रंजन एज अनिता पूजा बेस्ट फ्रेंड सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा खोलिए क्रिजिया एज रमया पूजा और कॉलेज जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकर नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा खरवण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली।
बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने की अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुंडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेजावू मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजावू ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति, माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज एस पी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधो एज डी जी पी आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नॉवेलिस्ट सुब्रमण्य, वॉइस डबल बाई एम एस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सपियर, सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता, पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर, पूजा कोलिग, क्रिजिया एज रमैया, पूजा कोलिग, जोसेफ एज सिद्धार्थ एमेलेसन, के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकर नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें
इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा खरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है, सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजाउ ट्विस्ट और टर्न के साथ देखना योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने की अरुल नीति का प्रयास पर नहीं है, लेकिन डेजाउ निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुंडी ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजाउ भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेजाउ मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजाउ ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति, माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दी है पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज एसपी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधो एज डीजीपी, आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नोवेलिस सुब्रमण्य, वॉइस रबर बाय एमएस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डोल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सपियर, सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कोलिग, क्रिजिया एज रमैया पूजा कोलिग, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकार नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके
दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना DGP आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो PM की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है, सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है ACP। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने के अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पांडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेजावू मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजावू ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, PG मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए PG मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म PG मीडिया वर्कर्स।
और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट। और ये इंडिया कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण रणनीति एच एस पी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एच डी जी पी, आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नॉवेलिस्ट सुब्रमण्य, वॉइस डबल बाय एम एस भास्कर, स्मृति वेंकट एच पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कॉलेज, क्रिजिया एज रमया पूजा कॉलेज, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकार नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ अविष्क
कार्य हासिल करने के अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन देजाऊत निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पोंडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, देजाऊ भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको देजाऊ मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देजाऊ ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति, माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज एस पी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज डी जी पी आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नॉवेलिस्ट सुब्रमण्य, वॉइस डबल बाई एम एस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सपियर, सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कोलिग, क्रिजिया एज रमैया पूजा कोलिग, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल ए सन के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकर नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे
ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया था। अब चीजें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा खर्म कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है, सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजाउ ट्विस्ट और टर्न के साथ देखना योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने की अरुल नीति का प्रयास पर नहीं है, लेकिन डेजाउ निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुंडी ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजाउ भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेजाउ मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजाउ ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति, माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दी है पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज एसपी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधो एज डीजीपी आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नोवेलिस सुब्रमण्य, वॉइस रबर बाय एमएस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सपियर, सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कोलिग, क्रिजिया एज रमैया पूजा कोलिग, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकार नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से
लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्यम से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना DGP आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो PM की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्यम से मिलती है। सुब्रमण्यम का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्यम से मिलती है। सुब्रमण्यम का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्यम से मिलती है, सुब्रमण्यम कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है ACP। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने के अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पोंडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेजावू मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजावू ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, PG मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति, मधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए PG मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म PG मीडिया वर्कर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये
सॉरी फ्रेंड, ये इंडिया कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण रणनीति एज एस पी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज डी जी पी आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नॉवेलिस्ट सुब्रमण्य, वॉइस डबल बाय एम एस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन आशा पी, सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनिता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा खोलिए, क्रिजिया एज रमया पूजा कॉलेज, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकर नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने के अरुण नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पोंडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, देजा भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट हिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको देजाऊ मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देजाऊ ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज एस पी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज डी जी पी आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नॉवेलिस्ट सुब्रमण्य, वॉइस डबल बाई एम एस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सपियर, सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कॉलीग, क्रिजिया एज रमैया पूजा कॉलीग, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकर नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि
वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा खर्म कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। तुबन ने कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने की अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुंडी ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेजावू मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजावू ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति, माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दी है पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज एसपी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज डीजीपी, आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नॉवेलिस्ट सुब्रमण्य, वॉइस रबर बाय एमएस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सपियर, सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा खोली, क्रिजिया एज रमैया पूजा खोली, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकार नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। पुलिस ने सुब्रमण्य
से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना DGP आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो PM की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा खरवन कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है, सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है ACP। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने के अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पांडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको डेजावू मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजावू ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, PG मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए PG मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म PG मीडिया वर्कर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज SP, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज DGP, आशा परमोद, अच्युत कुमार एज नॉवेलिस्ट सुब्रमण्य, वॉइस डबल
बाय एमएस भास्कर, सुमृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एसपी, चेतन एंड चेतन एसपी, सुपर गुड सुब्रमणि एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कॉलेज, क्रिजिया एज रमया पूजा कॉलेज, जोसेफ एज सिद्धार्थ एमएलए सन के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमणि एक उपन्यासकार नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमणि घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमणि से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमणि से मिलती है। सुब्रमणि का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमणि से मिलती है। सुब्रमणि का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमणि से मिलती है। सुब्रमणि कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने की अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पोंडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको देजाऊ मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देजाऊ ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुलनीति माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुलनीति एज एस पी विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज डी जी पी आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नोवेलिस सुब्रमण्य, वॉइस डबल बाई एम एस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कॉलेज, क्रिजिया एज रमैया पूजा कॉलेज, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकर नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि
वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा खर्म कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। तुबन ने कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने की अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुंडी ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेजावू मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजावू ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति, माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दी है पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज एसपी, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज डीजीपी, आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नोवेलिस सुब्रमण्य, वॉइस रबर बाय एमएस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सप्पी, सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कोली, क्रिजिया एज रमैया पूजा कोली, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकार नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। पुलिस ने सुब्रमण्य
से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना DGP आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो PM की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा खरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है, सुब्रमण्य कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है ACP। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने के अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पांडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको डेजावू मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेजावू ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, PG मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुल नीति, मधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए PG मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म PG मीडिया वर्कर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडिया कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुण नीति एज SP, विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज DGP, आशा परमोद, अच्युत कुमार एज नॉवेलिस्ट सुब्रमण्य, वॉइस रॉबर्ट
बाय MS भास्कर, सुमृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज SP, चेतन एंड चेतन सप्पी, सुपर गुड सुब्रमणि एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कॉलेज, क्रिजिया एज रमया पूजा कॉलेज, जोसेफ एज सिद्धार्थ MLA सन KPY बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमणि एक उपन्यासकार नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमणि घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमणि से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना DGP आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो PM की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमणि से मिलती है। सुब्रमणि का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमणि से मिलती है। सुब्रमणि का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमणि से मिलती है। सुब्रमणि कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है ACP। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजावू ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने की अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजावू निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पोंडे ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजावू भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको देजाऊ मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देजाऊ ये 2022 की इंडियन तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए अरविंद श्रीनिवासन और लिखे अरविंद श्रीनिवासन और इसे प्रोड्यूस किए के विजय पांडे, पीजी मुथी, स्टारिंग दिए हैं अरुलनीति माधु, अच्युत कुमार, स्मृति वेंकट और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए पीजी मुथी और इसे एडिट किए अरुल सिद्धार्थ और इसे म्यूजिक दिए हैं गिब्रन और इसके प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट कारपेट फिल्म पीजी मीडिया वर्कर्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए साउथ इंडिया। इसका रिलीज डेट रहा है 22 जुलाई 2022 और इसका रनिंग टाइम रहा है 118 मिनट और ये इंडियन कंट्री में बनी तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। अरुलनीति एज एस पी विक्रम कुमार एलिस अरुण, माधव एज डी जी पी आशा प्रमोद, अच्युत कुमार एज नोवेलिस सुब्रमण्य, वॉइस डबल बाई एम एस भास्कर, स्मृति वेंकट एज पूजा, आशा डॉक्टर, मारी विंसेंट एज जनाई, राघव विजय एज रवि एंड राहुल डबल रोल, काली वेंकट एज कॉन्स्टेबल इजुमलाई, मामी कोपी एज एस पी, चेतन एंड चेतन सुपर गुड सुब्रमण्य एज कॉन्स्टेबल एन दिवाकर बाला, यालिनी रंजन एज अनीता पूजा बेस्ट फ्रेंड, सुरजीति कुमार एज किशोर पूजा कॉलेज, क्रिजिया एज रमैया पूजा कॉलेज, जोसेफ एज सिद्धार्थ एम एल एस के पी वाई बाला। तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सुब्रमण्य एक उपन्यासकर नशे में धुत होकर एक पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाता है कि उसे अपने उपन्यासों में बनाए गए काल्पनिक पात्रों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे हैं और वह पुलिस सुरक्षा की मांग करता है। पुलिस उसके दावे का मजाक उड़ाती है और उसे भेज देती है। सुब्रमण्य घर वापस जाता है और फिर से लिखना शुरू करता है और अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे पूजा नाम की एक महिला के कॉल के बारे में पूछताछ करती है, जिसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल बंद होने से पहले पूजा ने लेखक का नाम और स्थान संक्षेप में बताया। लेकिन पुलिस ने सुब्रमण्य से पूछताछ की और यह देखकर हैरान रह गई कि उसने पूजा के बारे में लिखा था। जब वे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन उसके पड़ोसी उसे बचाने आते हैं और घटना का रिकॉर्ड उसके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इससे पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यह घटना डीजीपी आशा प्रमोद का ध्यान खींचती है और जो पीएम की यात्रा के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने रखने की कोशिश कर रही है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उसे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। जब अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद को सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस सोचने लगी कि क्या ये मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और उस शुरू में जिस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा का अपहरण कर लिया गया था और उसे ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया था। अब चीज़ें व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। सुब्रमण्य का कहना है कि
वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही पुलिस सोचने लगी कि यह मामला है। आशा पुलिस से जांच करती है और शुरू में जिस तरह से चीज़ों का संभाला जाता है उससे निराश होती है, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी पूजा खर्म कर लिया गया था और उससे पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया था। जब व्यक्तिगत हो जाती है और आशा पूजा के बारे में पूछताछ करने के लिए खुद सुब्रमण्य से मिलती है। तुबन ने कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखा था वही हुआ। पुलिस खोजने एक क्या मामला है एसीपी। तो चलिए फिर इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। फिल्म को मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली। बिहाइंड वुड्स के एक आलोचक ने लिखा कि डेजाउ ट्विस्ट और टर्न के साथ देखना योग्य थ्रिलर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी और कहा कि कुछ आविष्कारशील करने की अरुल नीति का प्रयास नहीं है, लेकिन डेजाउ निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप एक से अधिक बार अनुभव कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुंडी ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद कहा कि जहां एक थ्रिलर की बात है, डेजाउ भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कामयाब होता है और शिकायत के लिए शायद कोई जगह छोड़ता है। फिल्म सिनेमाघर में 4 हफ्ते तक चलने से सफल रही और सुपरहिट गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।